के नए कमिश्नर संजय अरोड़ा ने पदभार संभाल लिया। 1988 बैच के आईपीएस संजय अरोड़ा ने अब दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। आज सुबह उन्होंने पहले आईटीबीपी मुख्यालय जाकर विदाई ली, फिर जयसिंह मार्ग स्थित दिल्ली पुलिस मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया। कार्यभार संभालने के दौरान पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने कहा कि आज मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। दिल्ली पुलिस का इतिहास बेहतर जनसेवा सुरक्षा के साथ साथ त्याग और बलिदान से भरा है। मुझे उम्मीद है कि राजधानी की सेवा में हम इसे न सिर्फ जारी रखेंगे बल्कि पुलिसिंग को नया आयाम देने में भी कामयाब होंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में 1988 बैच के आईपीएस संजय अरोड़ा ने सोमवार को चार्ज ले लिया। संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस का नेतृत्व करने वाले लगातार दूसरे गैर AGMUT केडर के IPS अधिकारी हैं। 1978 में दिल्ली पुलिस अधिनियम पारित होने और एक अन्य आयुक्तालय की स्थापना के बाद से तीसरे ऐसे अधिकारी हैं। संजय अरोड़ा और राकेश अस्थाना से पहले उत्तर प्रदेश केडर के 1966 बैच के IPS अधिकारी संजय राज शर्मा को 1999 में दिल्ली पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। वेद प्रकाश, दिल्ली समाचार 24।